हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल Empower Education Point में। चलिए आज एक जबरदस्त टॉपिक को खुलकर बताने वाले हैं SWOT मेथड से, क्योंकि आपको अगर ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए क्वेश्चन तो वहाँ पे लॉन्ग मेथड काम नहीं करेगा। आपका 50% सिलेबस जो है ऑब्जेक्टिव है, तो क्यों ना हम उस ऑब्जेक्टिव टाइप को हम SWOT मेथड से सीखें। चलिए दोस्तों, आज रियल नंबर की जो वो कड़ी थी उसको जानते हैं। पहले बताए थे कि रियल नंबर बनता किससे है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का ही एक समुच्चय होता है, दोनों का एक मिला जुला रूप को ही कहते हैं रियल नंबर। इसमें होता क्या था दोस्तों, परिमेय संख्या का समुच्चय शांत और अशांत होता था, जो जैसे कि जो पी बटा क्यू के रूप में होता है, तो पी बटा क्यू के रूप में जहाँ क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता था, और अपरिमेय संख्या जो कि पूर्ण वर्ग नहीं होता है, जैसे √3, √2, √5, इस तरह से जो टर्म है वो इरेशनल नंबर है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकल पाता है। पूर्ण वर्ग नहीं निकलने की वजह से जो वैल्यू आते हैं इन लोगों का वो क्या आता है, अशांत, जिसको बोलते हैं अशांत अनावसानी, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, अगर चल रहा है तो चलते जा रहा है, इसका जो लास्ट डिजिट है वो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इस तरह के जो पैटर्न होते हैं, जैसे √2 का मान, √3 का मान, √5 का मान, इसको भी निकालने के लिए जल्द ही सिखाएंगे। पहले हम दोस्तों जान लेते हैं थोड़ा सा और कि परिमेय संख्या किसको कहते थे, पी बटा क्यू के रूप में, और जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता था, जिसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर का दो टाइप होता है, एक पूर्णांकों का समुच्चय, दूसरा भिन्न का समुच्चय। तो भिन्न का समुच्चय और पूर्णांकों का समुच्चय भी समझते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय जो होता है मेरे दोस्त, वो या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, कोई भी मतलब इसमें ये नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं। तो वो हो गया आपका पूर्णांक का समुच्चय, और एक है भिन्न का समुच्चय जो भिन्न के फॉर्म में होगा। अब बात करते हैं मेरे दोस्त, रेशनल नंबर तो समझ गए कैसे ज्ञात किया जाता है, लेकिन इरेशनल नंबर को भी थोड़ा जान लेते हैं गहराई से। आपको दो दो ट्रिक बताए हैं रेशनल नंबर निकालने का। एक रेशनल नंबर में दो परिमेय संख्या के बीच अनेक परिमेय संख्या होते हैं, दो परिमेय संख्या के बीच अनेक परिमेय संख्या होते हैं, तथा दो अपरिमेय संख्या के बीच अनेक अपरिमेय संख्या होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि दो परिमेय संख्या के बीच तीन ही परिमेय होगा, चार ही होगा, पांच ही होगा, अनगिनत कह सकते हैं। अनेक के जगह हम लिख सकते हैं अनगिनत परिमेय संख्या, जिसकी काउंटिंग भी नहीं की जा सकती, इतना ज्यादा होता है अनगिनत। तो इस तरह से दो फैक्ट निकल के सामने आया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होते हैं, तथा दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या होते हैं। और अब आपको मैं √3, √2, √5 ये सब का वैल्यू निकालने के लिए सिखाएंगे, उसके बाद आपको ले चलेंगे और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल पे, दो अपरिमेय के बीच अपरिमेय संख्या निकालने के लिए सिखाएंगे। तो इस तरह के सवालों को ध्यान में रखकर बहुत सारे फैक्ट आपको सिखाया जाने वाला है आज। तो चलते हैं, पहले ये फैक्ट देख लेते हैं। पिछले क्लास की जो वीडियो थी उसमें हमने लॉन्ग मेथड बताया था, आज वो शॉर्ट मेथड सीखते हैं कि अगर कोई दशमलव प्रसार ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका
इसे परिमेय पी बटा क्यूब के रूप में दाना पी बटा क्यूब के रूप में बदलने। तो बदलने के लिए हम क्या करेंगे जरा समझते हैं मेरे दोस्त। क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं। जितना ज़्यादा ऊपर रेकरिंग होगा उतना ही हम नीचे 9 लिखते हैं। तो मतलब कि 12 पे रेकरिंग है तो 12 पे रेकरिंग को मिटा कर नीचे क्या लिखेंगे, 2 को पे रेकरिंग है तो 2 को 9 देंगे। अब क्या करेंगे इसको डिवाइड देते हैं 3 से, 3 4 जा 12, 3 से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मेरा आंसर क्या आ गया 4/33। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर देखिए 1 2 3 4 में कौन सा 4/5 तो नहीं है, ठीक है 4/33 ये आपका हो गया आंसर। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक था जो कि ऑब्जेक्टिव में सवाल देता है, बताइए कि पी बटा क्यूब के फॉर्म में कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। इस तरह के एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपका पूरी तरह से इस तरह की क्वेश्चन क्लियर हो सके। जैसे 1.35 पे ही रेकरिंग है, ओनली 5 पे रेकरिंग, तो पॉइंट के बाद ही रेकरिंग होता है हमेशा। इसको बनाने के लिए सीखिए जरा क्या करेंगे, पहले तो हम इसको तोड़ेंगे 1+0.35 और 5 पे रेकरिंग है तो पॉइंट के बाद को ही हम बदलेंगे, उसके बाद 1 जोड़ देंगे। चलिए हम बनाते हैं इसको, 5 पे रेकरिंग है तो बोले थे जितना रेकरिंग होगा उतना ही हम नीचे 9 लिखते हैं, तो 35 लिख के उसके नीचे हम 9 डाल देंगे। अब देखिए जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना हम घटा भी देते हैं, तो 3 पे रेकरिंग नहीं है तो 3 को हमें घटाना होगा। चलिए घटाते हैं क्या मिलता है, 35 में 3 घटा 32/9। अब क्या करेंगे कि 1 ऐड करेंगे, इसमें क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, तो 1 जैसे ही ऐड करेंगे वो भीम का जोड़ में होगा कुछ इस तरह से, ये 9 लिखाएगा यहाँ पे 9 आएगा, उसके बाद ऐड करने पे 9 और 2 हो गया 11, 9 2 11 हाथ में एक कैरी हुआ 3 और 1 4, 44/9। सॉरी जिस पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 भी लगाते हैं, उतना क्या करते हैं हम लोग 0 भी लगाते हैं, तो यहाँ 35 लिख कर क्या किए, जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 लगाएं और जिस पर रेकरिंग है उतना 9 लगाएं। चलिए अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, नीचे 90 होगा, 90 में 1 से गुना होगा, 90+32। अब क्या करिए आपस में इसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पे क्या होगा 100 क्या हो जाएगा 22/90। अब क्या करिए इसको आपस में डिवाइड दे दीजिए, डिवाइड देने पर 2 से डिवाइड होगा 61/45, आंसर क्या हो गया 61/45, ऑप्शन में जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट मेथड हम लोग बनाते हैं, ये आपका आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिए इसको क्या करेंगे, 1.355 पे रेकरिंग है तो सबसे पहले इसको अलग करिए पॉइंट वाला को एक तरफ और बिना पॉइंट वाला को एक तरफ। अब चलिए अलग कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे जितना पे रेकरिंग है उतना नीचे 9 लिखते हैं, जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना उसके लिए 0 लिखते हैं, तो 3 एक डिजिट नहीं है रेकरिंग तो उसके लिए 0 लिखें और जितना पे रेकरिंग है उतना 9 लिखें। अब ऊपर वाला पार्ट कैसे लिखेंगे, 35 है जिस पे रेकरिंग नहीं रहता उसको घटा देते हैं, तो 3 पे रेकरिंग नहीं था उतना घटा दिए, 35 में से 3 गया 32 आया, 32/90 एलसीएम लिए 90+32/90, इन दोनों को जोड़ दिया आपस में 122/90 डिवाइड देने पर 61/45 ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं जरा क्या है, एक क्वेश्चन और समझने के लिए क्वेश्चन है आपका 1
2.47। चलिए इसको बनाते हैं और फिर एग्री करते हैं। समझते हैं दोस्त क्या बोले थे, सबसे पहले इसको अलग कर लें। अलग कर लिए, 7 पे रेकरिंग है तो जितना पे रेकरिंग है उतना हम लोग 9 लिखते हैं और जितना पे नहीं है उतना 0। तो चलिए 0 पर डाल लीजिए, 7 पे रेकरिंग है उतना 9 लिखें, 4 पे रेकरिंग नहीं है उसलिए 0 लिखें। अब क्या करेंगे, बोले थे कि जितना पे रेकरिंग नहीं होगा उतना घटाएंगे भी, तो वो ऊपर में क्या होगा, 4 घट भी जाएगा। अब चलिए 47 में से 4 गया, क्या बचा, 43 बचा, बटा 90। अब एलसीएम ले लीजिए दोनों को, एलसीएम मेरा 90 आया। 90 आने के बाद 90 टू से क्या होगा, 180 प्लस 43, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 3 2 2 बटा 90। अब आपस में अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो यही आपका आंसर है। इस तरह से हम लोग शॉर्ट मेथड सीखते हैं समय को बचाने के लिए। ऑब्जेक्टिव में इस तरह के सवाल आपको बनाने में आसान होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अपरिमेय संख्या में। परिमेय संख्या तो हो गया, अब चलिए अपरिमेय संख्या को जरा देख लेते हैं। रूट टू का वैल्यू ज्ञात करना है, रूट थ्री का वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको भी जरा सीख लेते हैं। मान लिया जाए रूट टू को दशमलव पर साल निकालना है, दशमलव पर साल 2 अंकों तक, 3 अंकों तक सीखते हैं, 3 अंकों तक निकाले। तो इसके लिए क्या करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले रूट टू का दशमलव पर साल निकालना है तो 3 अंकों तक बोलेगा, तो 2 लिखकर पेयर में 3 जीरो लिखेंगे पेयर में, और उसके बाद इसका वर्गमूल निकालेंगे। देख लीजिए दोस्त, पेयर में क्या करेंगे, 3 जीरो लिखेंगे, 3 अंकों तक निकालना है पॉइंट के बाद दशमलव पर साल, तो इसके लिए हम 3 जीरो लेंगे पेयर के साथ। अब क्या करेंगे, वर्गमूल निकालते हैं, 1 टाइम मिलेगा, 1 इधर भी देंगे, 1 यहाँ भी देंगे। अब क्या करते हैं, आपस में घटाते हैं, 2 में से 1 किया 1, इसे ऐड करते हैं 1 और 1 2। अब जब पेयर लगाते हैं तो पेयर वाला टर्म साथ साथ नीचे उतरता है, 100 दिए। अब क्या ऐसा गुना किया जाए कि 100 या इससे कम टर्म वाला आए, तो देखिए हम अगर 2 या 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 3 9, 3 2 69 आया, 4 से करते हैं तो 4 4 16, 4 2 8 और 1 9, मतलब जो टर्म ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखकर मल्टीप्लाई किया जाता है वर्गमूल में। तो 4 4 16 और 4 2 8 1 9 96, ये मेरा टर्म इसके नज़दीक है तो हम 4 लेंगे पॉइंट देकर, क्योंकि यहाँ पे रूट 2 ही था सिर्फ, पेयर में नहीं है, तो इसके लिए हम पॉइंट देंगे। अब 4 से क्या करेंगे, लगाएंगे तो 4 यहाँ भी लिखना होगा, क्या आया मल्टीप्लाई करके 96। अब आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, क्योंकि एक कैरी हो गया था। अब यहाँ पे इसको ऐड करते हैं 4 4 8 और यहाँ 2। अब क्या करेंगे, फिर से पेयर वाला टर्म को लेंगे, 00 आएगा। अब कौन सा टर्म से लगेगा, देखिए 28 है, 1 से लगाते हैं पहले, 281 है, अगर 2 से लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, देख लीजिए 400 के करीब आएगा, 400 2 से लगाएंगे तो 4 2 2 4 8 2 6 2 2 5 1 6, ये 564 आ जाएगा। तो ये आपका 2 2 4 8 9 16 2 2 4 1 5, 564, 400 से अधिक है तो हम 1 से ही लगाएंगे। चलिए 1 से लगाएं, क्या हमारा आया 281। अब क्या करेंगे, घटाएंगे 8 में 0 में से 1 गया 9, और 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, अब दोनों टर्म यहाँ उतर जाएगा। इसे हम ऐड करते हैं
282। अब किस टर्म से लगेगा इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए 282 है, पहले 3 से लगा के देखिए, 3 × 9 = 6 × 8 = 24, 4 × 2 = 2 = 8, बहुत कम है। चलिए और बढ़ाते हैं, 4 से लगा के देखते हैं, 4 × 16 = 8 = 9 × 8 = 32 × 2 = 8 = 9 = 10 = 11, मतलब ये करीब करीब इसके नज़दीक है। तो हम 4 से नहीं लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो अधिक हो जाएगा। 4 से लगा दिए, कटने पर क्या आया, 2 × 1 = 0 और 9, 8 में से 2 गया 6। चलिए अब 4 × 16 = 6 × 10 = 6 = 4। तो ये आपका क्या हो गया, 3 अंकों तक रूट 2 का वैल्यू हो गया, रूट 2 का क्या वैल्यू हो गया, 1.414। उसी तरह रूट 3 का निकालेगा, रूट 5 का निकालेगा, रूट 6 का निकालेगा, रूट 7 तक निकालिएगा। ये आप लोग का होमवर्क है, आप इसे करके आइएगा। इस तरह से आपको 2 अंकों तक, 3 अंकों तक, 4 अंकों तक, जितना अंकों तक निकालना होगा उतना पेयर में लेकर बना सकते हैं। तो ये अपन में संख्या का वैल्यू, ये कभी खत्म नहीं होगा दोस्तों, इसी को बोलते हैं अब अनावर्ती, अनावर्ती जिसका कभी अंत नहीं है, हमेशा अशांत अनावर्ती है, कभी भी खत्म नहीं होने वाला। तो आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।